Hello students, welcome to the CM English classes. Today we are going to start a grammar topic, voice. There are two types of voice, active and passive. Active में क्या होता है, पहले subject आता है, then verb, then क्या आता है, object आता है. जब हम active से passive में इसको change करते हैं, तो object आ जाता है आगे. फिर लगता है हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो अकॉर्डिंग टू टेंस लगता है. और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, और बाय के बाद जो एक्टिव में सब्जेक्ट होता है वो लास्ट में लग जाता है. स्टूडेंट्स ये बात ध्यान रखें आप कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है. ओके स्टूडेंट्स, अब देयर आर मोर चेंजेस इन द एक्टिव टू पैसिव. कैसे? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट. अगर सब्जेक्ट में ही है तो ऑब्जेक्ट में वो क्या जाएगा, हिम हो जाएगा. अगर सब्जेक्ट में शी है तो ऑब्जेक्ट में वो हर हो जाएगा. आई चेंज इनटू मी, वी चेंज इनटू अस, दे चेंज इनटू देम, यू चेंज इनटू यू. अगर कोई नेम है तो नेम का नेम ही रहेगा. ओके स्टूडेंट्स, यस स्टूडेंट्स, अब हम टेंसेस के अकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहला हमारा कौन सा है, प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस पैसिव. ओके स्टूडेंट, तो प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस की पैसिव में क्या होता है, सबसे एक्टिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन एस या ईएस, देन क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है. फॉर एग्जाम्पल, ही राइट से लेटर. ओके स्टूडेंट्स, तो जब इसका पैसिव वॉइस में होगा तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग आ जाएगी, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको. तो हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के अनुसार क्या आ जाएगा इसमें, इज एम आर, देन वी थ्री, देन बाय, एंड देन जो सब्जेक्ट पीछे आ जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, तो ए लेटर क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट है. ओके स्टूडेंट, लेटर इज सिंगल, उसके अनुसार क्या जाएगा, इज लग जाएगा. उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, द राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटर्न बाय, ही चेंज इन टू हिम. ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसकी नेगेटिव फॉर्म कर रहे हैं. एक्टिव में इसके क्या होता है, सब्जेक्ट आता है, डू डज नॉट वी वन एंड ऑब्जेक्ट. ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल इसका, आई डू नॉट लाइक राइस. ओके स्टूडेंट्स, जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आपको पता है इज, एम आर नोट वाला है तो नोट साथ लगा देंगे हम लोग, वी थ्री, देन बाय, देन जो सब्जेक्ट है वो लास्ट में. ओके स्टूडेंट्स, तो राइस को हम आगे लेकर आएंगे, तो राइस इज सिंगुलर, तो राइस के साथ हम इज लगाएंगे. ओके, राइस इज नॉट लाइक्ड बाय, आई का क्या बन जाएगा, मी बन जाएगा. ओके स्टूडेंट, अब हम इसकी इंटरगेटिव फॉर्म कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की. तो एक्टिव में क्या होता है इसके, डू डज हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर वी वन, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क. एग्जाम्पल क्या है, डू यू लाइक मी. ओके स्टूडेंट्स, जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, एक बार ध्यान रखें, जब डू डज पहले है तो जब हम पैसिव वर्ब बनाएंगे तो उसमें भी तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा. तो हेल्पिंग वर्ब आपको पता है इज एन आर, देन ऑब्जेक्ट, देन वी थ्री, देन बाय, देन सब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क. तो मी क्या चीज है, ओके ऑब्जेक्ट है, तो हम आगे लेकर आएंगे तो क्या आई बन जाएगा, तो आई के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या देगा पहले, एम, एम आई लाइक्ड बाय यू. ओके स्टूडेंट्स, अब हम अगला टेंस करेंगे और उस टेंस का नाम क्या होगा, पास्ट इंडेफिनेट टेंस. ओके स्टूडेंट्स, ओके, तो पास्ट इंडेफिनेट टेंस में क्या होता है, एक्टिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, देन वी टू, देन ऑब्जेक्ट. ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल, दे हेल्प्ड मी. ओके,
जब इसे एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, उसके बाद क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब वोज या वर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो हेल्पिंग वर्ब इसे मार लगता है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगता है, वोज या वर लगेगा। देन वी थ्री, देन बाय, देन सब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, मी को आगे लेकर आएंगे क्या बन जाएगा, आई, तो आई के साथ क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब वोज, आई वोज हेल्प्ड बाय, देखा क्या बन जाएगा, देन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं इसकी नेगेटिव फॉर्म। इसके एक्टिव में क्या होता है, सब्जेक्ट आता है, इसमें क्या हो जाएगा, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, इसके एग्जांपल क्या बनेगा, मदर डिड नॉट वॉश क्लोथ्स। ओके स्टूडेंट्स, जब हम इसका एक्टिव से पैसिव बना रहे हैं तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा, वोज या वर। ओके, देन नॉट, देन वी थ्री, देन बाय, देन क्या होगा आगे, सब्जेक्ट पीछे आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या चीज है, क्लोथ्स है, क्लोथ्स पहले आ गया, तो क्लोथ्स क्या चीज है, प्लूरल में है, तो उसके साथ क्या लग जाएगा, वर, क्लोथ्स वर नॉट वॉश्ड बाय मदर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं इसकी इंटरोगेटिव फॉर्म। इसके एक्टिव फॉर्म में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, डिड, सब्जेक्ट, वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल क्या बनेगा, डिड बॉयज प्ले फुटबॉल। ओके स्टूडेंट्स, जब एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब पहले है तो पैसिव में क्या होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब पहले आना चाहिए, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा आगे, वॉज या वर, देन ऑब्जेक्ट, देन वी थ्री, देन बाय, देन क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो ऑब्जेक्ट क्या चीज है, फुटबॉल, तो फुटबॉल के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आना चाहिए, वॉज, वॉज फुटबॉल प्लेड बाय बॉयज। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि इनके साइन चेंज नहीं होंगे जो इंटरोगेटिव में होते हैं, क्वेश्चन मार्क मतलब। अब हम अगला टेंस करने जा रहे हैं, वो कौन सा होगा आपका, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। स्टूडेंट्स, आप इसके बीच बीच में इसका आप स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पैसिव में क्या होता है, सबसे पहले एक्टिव, इसके एक्टिव में क्या होगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर शेल, विल, वी वन, देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, यू विल नॉट प्ले फुटबॉल। ओके स्टूडेंट्स, तब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शेल या विल। यू नो वेरी वेल कि आई और वी के साथ आप क्या लगाते हो, शेल लगाते हो, तो इसके बाद क्या रहेगा, बी हेल्पिंग वर्ब रहेगा साथ में इसके, और बी के बाद वी थ्री, देन बाय, देन सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस का पैसिव। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके एक्टिव में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, देन शेल विल, देन वी वन, देन ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, मदर विल वॉश क्लोथ्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ऑब्जेक्ट को हम पहले लेकर आएंगे पैसिव वॉइस में, तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा, शेल विल प्लस बी, बी के बाद वी थ्री, देन बाय, देन सब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट, तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, क्लोथ्स है, तो क्लोथ्स को हम आगे लेकर आएंगे, तो क्लोथ्स के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, वी लगेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आई और वी के साथ क्या लगता है, शेल लगता है, क्लोथ्स विल बी
वॉश्ड बाय मदर। ओके स्टूडेंट्स, देन अब हम इसकी नेगेटिव फॉर्म करने जा रहे हैं, तो इसके एक्टिव वर्ब में क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा शैल विल नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो आई एग्जांपल क्या है इसका, आई विल नॉट ईट राइस। ओके स्टूडेंट्स, जब इसका एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लग जाता है, शैल या विल पहले, ठीक है जी, और उसके बाद नॉट, नॉट के बाद बी, देन वी थ्री, देन बाय, देन सब्जेक्ट। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या चीज है, राइस, तो क्या हो जाएगा, राइस पहले आ जाएगा, तो राइस विल नॉट बी इटन बाय मी। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसकी इंटरोगेटिव फॉर्म करने जा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, तो इसके एक्टिव में क्या होता है, शैल विल सब्जेक्ट वी वन देन ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल क्या है इसका, विल यू प्ले फुटबॉल। ओके स्टूडेंट्स, तो जब इसका पैसिव जब हम इसका पैसिव स्टार्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट के अनुसार शैल विल क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा, उसके बाद क्या होगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आएगा, बी, बी के बाद वी थ्री, देन बाय, देन सब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। तो ऑब्जेक्ट क्या चीज है, फुटबॉल, तो फुटबॉल के अकॉर्डिंग क्या आएगा आगे, विल, विल फुटबॉल बी प्लेड बाय यू। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आज की हमारी वीडियो खत्म होती है और अब हम अपने अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे इसके आगे का इसका टॉपिक लेकर। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने आसपास सफाई बना रखें। जय हिंद।